8 दिसंबर शुक्रवार को लोकसभा में 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होती है। करीब 12 बजे के आसपास एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विजय सोनकर की ओर से 500 पेज की रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश और कानूनी जांच की मांग की गई थी। टीएमसी सांसद ने मांग की थी कि 500 पेज की रिपोर्ट पढ़ने के लिए मुझे 48 घंटों का समय दिया जाए, लेकिन 4 मिनट बाद ही कार्यवाही आगे 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्थगित करते समय लोकसभा में सदन में इस कार्यवाही पर 3 बार हंगामा हुआ और 2 बार कार्यवाही स्थगित हुई, लेकिन फिर दोपहर में करीब 2 बजे से तीसरी कार्यवाही शुरू हुई और महुआ के निष्कासन पर वोटिंग हुई। वोटिंग महुआ मोइत्रा के समर्थन में ना होकर खिलाफ में हुई और इस दौरान महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाए थे कि वो संसद में पैसे लेकर सवाल पूछती है और उन्होंने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के समूह को निशाना बनाने के लिए लगातार संसद में रिश्वत लेकर सवाल पूछे हैं। बता दें, इससे पहले संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बदले में आरोप लगाए थे कि कमेटी के चेयरपर्सन विनोद सोनकर ने शब्दों के जरिए उनका वस्त्र हरण किया था। चेयरपर्सन ने मुझसे जान पूछ कर अपमानजनक सवाल पूछे थे। ये सब उन्होंने एथिक्स कमेटी के सभी मेंबर्स के सामने किया और मुझे सबके सामने जलील करने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि इस कंगारू कोर्ट ने मेरी सदस्यता रद्द करके पूरे भारत को केवल ये दिखाया है कि आपने जल्दबाजी में उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। ये दर्शाता है कि अडानी आपके लिए कितने जरूरी है और आप एक महिला सांसद को रोकने के लिए उसे किस हद तक परेशान कर सकते हैं। बता दें, महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर से लोकसभा सांसद थी। कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि महुआ मोइत्रा लोकसभा में सवाल पूछने के लिए पैसे लेती है। संसद की एथिक्स कमेटी ने इन आरोपों की जाँच की थी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसों के बदले सवाल पूछने के आरोपों की शिकायत एथिक्स कमेटी को भेजी गई थी, जिसकी फाइनल रिपोर्ट आज एथिक्स कमेटी ने पेश की। कैश फॉर क्वायरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता चले जाने के बाद मोइत्रा का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था और आगे भी उठाती रहूंगी। बता दें, ये पहली बार हुआ है जब लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने किसी सांसद के निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया और पास भी हो गया। इससे पहले 2005 में ऐसे ही 11 सांसदों को ऐसे ही मामले में निष्कासित कर दिया गया, लेकिन उस समय निष्कासन की सिफारिश राज्यसभा एथिक्स कमेटी और लोकसभा की जांच कमेटी ने की। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्धिका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।